अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि लाइव स्टॉक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। आज मैं मौजूद हूँ अल रहीम गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह, बांदी सिटी से तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर है ये। तो अब्दुल रहीम के पास मैंने पहले भी कई दफ़ा वीडियोस बनाई है। इस दफ़ा इनके मैंने बकरों की वीडियोस बनाई थी, बकरा इससे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो कुर्बानी वाले बकरे थे वो सारे सेल हो गए। तो ये अगले साल की कलेक्शन है, कुछ ये हैं इनके पास और ये और भी लेंगे, हर साल की तरह पालेंगे इंशाल्लाह। तो ये बकरे आज भी देखें आप इंशाल्लाह, कुर्बानी के टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी डाइट के हवाले से भी पूछते हैं। देखें माशाल्लाह इनकी पलाई देखें, ये खीरा कलेक्शन है तकरीबन, माशाल्लाह से इनकी पलाई देखें आप बच्चों की। ये इस साल ईद पर इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे बच्चे, देखें माशाल्लाह से। तो इनके बारे में कुछ पूछता हूँ मैं इनसे, कितना टाइम लगता है और किस तरह इनकी तैयारी होती है। तो चलते हैं अब्दुल रहीम भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहीम भाई, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब्दुल रहीम भाई, माशाल्लाह कुर्बानी का कलेक्शन आपने ख़त्म किया, ये नए साल का कलेक्शन आपने लिया है, तो इस साल आपका क्या प्रोग्राम है? कितने बकरे आपने पालने हैं कुर्बानी पे, कितने बकरे तैयार करने हैं? 60 से 70 बकरे तैयार करने हैं इंशाल्लाह। अच्छा, 60 से 70 बकरों का आपका प्लान है। चलें, हम दुआगो हैं अल्लाह ताला आपके इस मकसद में आपको कामयाब करे। तो किस तरह का कलेक्शन आप रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे या गुलाबी भी रखेंगे, कौन से बकरे रखेंगे? टेडी। अच्छा, टेडी कोडू कलेक्शन के लिए देखें, इसी तरह के और प्रिंटेड भी लेकर आएंगे कलर्स वाले सारे। जी जी। तो इस तरह के बकरे पालेंगे। अब्दुल रहीम भाई, क्या इनकी डाइट है, क्या इनको दे रहे हैं अभी आप खाने में? गंदम दे रहा हूँ। अच्छा, गंदम किस तरह भिगा कर देते हैं? अच्छा, और छिलका है। अच्छा, पलड़ा है, पलड़ा और जंतर है। अच्छा जी, सोयाबीन का छिलका, पलड़ा यानी कि जो कीकर होता है देसी कीकर, उसका जो बीज वो दे रहे हैं, और गंदम दे रहे हैं, और जंतर, ये इसकी गिज़ा है। और इस गिज़ा पर बकरों की आप तैयारी देख लें माशाल्लाह से। अभी ये खीरा कलेक्शन है, ये देखें इनके सीने देखें बकरों के, देखें माशाल्लाह ये बकरे माशाल्लाह से अच्छे पल रहे हैं। और ये पूरा साल अभी पलेंगे तो फिर साल के बाद इंशाल्लाह देखेंगे, तो आपको साल के बाद दिखाएंगे बच्चे किस तरह तैयार हुए इंशाल्लाह ज़रूर। अब्दुल रहीम भाई, ये बकरे आप कहाँ से ले रहे हैं, या गोट से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, कहाँ कहाँ से घूम के किस एरिया से ज़्यादातर बकरे आपने ख़रीदे हैं? ये अली भाई, असल में अभी तो मैं इतना ज़्यादा जाता नहीं हूँ। अच्छा, ऑपरेशन कर रहा है, थोड़ा चलने फिरने में मसला है। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये जो है बस व्यापारी है, यहाँ लेकर आते हैं तो उनसे मैं ले लेता हूँ नफ़ा देकर। अच्छा, जो वो लेते हैं फिर उनसे जो पसंद आता है वो उनको नफ़ा देकर आप ख़रीद लेते हैं। तो अब्दुल रहीम भाई, छोटा बच्चा एक जैसे 7-8 महीने का है, अगर नॉर्मल क्वालिटी का हो वो कितने तक मिलता है? वो तकरीबन भाई मिलता है नॉर्मल क्वालिटी वाला 12 से 15 हज़ार का। 12 से 15 हज़ार का बच्चा मिलता है, फिर सारा साल उसको पालना है। अच्छा जी, देखा आपने व्यूअर्स, बच्चे जो लेते हैं ये तो बड़े हैं, जो 6-7 महीने का बच्चा होता है वो तकरीबन 12-15 हज़ार 18 हज़ार का मिल जाता है। उसके बाद फिर सारा साल इनको पालना है, इनकी केयर है। तो इस तरह ये पलते हैं जानवर, देखें ये जंतर इनको बंधी हुई है सारा दिन, इस तरह ये जंतर खाते हैं, और दाना भी रखा हुआ इनके आगे। ये देखें, ये पलड़ा जो कह रहे थे ये पलड़ा है, और ये सोयाबीन का छिलका, और इसके साथ गंदम मिली हुई है। दाने की कोई टाइमिंग वगैरह है या सारा दिन जंतर खाते हैं, क्या हिसाब किताब? 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे जी इनके आगे देखें दाना भी होता है और पानी भी इनके सामने 24 घंटे मौजूद है, अपनी मर्जी से जब इनका दिल करेगा तो ये बकरे खाएंगे तैयारी के लिए। इसके अलावा कोई मसाला वगैरह, तेल वगैरह कुछ देते? तेल कितने दिन के बाद देते हैं? तेल इनको तकरीबन हफ्ते में देता हूं, एक बार। हफ्ते में एक बार सरसों का तेल इनको देते हैं आप? कितना तेल पिलाते हैं तकरीबन? तेल तकरीबन एक बकरे को 50 सीसी। 50 सीसी तेल एक बकरे को देते हैं तकरीबन, 50 ml सरसों का तेल हफ्ते में एक दिन पिलाते हैं दाने के अलावा। बाकी सारा हफ्ता जो है ये इनकी रूटीन है,
तो अब्दुर्रहीम भाई, हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपके शौक़ में बरकत दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थोड़ा सा इन बकरों को आप चला के दिखाएं इस तरफ, देखें आपको, देखें जी माशाल्लाह से। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।